एजुकेशन की बात हो रही है तो शार्प माइंड और मेमोरी भी बहुत जरूरी है, और वो हो सकता है म्यूजिक से। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा साइंटिस्ट कह रहे हैं। ये देखिए, कनाडा के वैज्ञानिकों के एक दल ने एमआरआई स्कैन के जरिए संगीत का कोई टुकड़ा पहली बार सुनने पर दिमाग के उस क्षेत्र में सक्रियता दर्ज की जिन्हें रिवॉर्ड सेंटर के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे श्रोता संगीत को पसंद करता जाता है, न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस कहे जाने वाले दिमाग के क्षेत्र से उसका संबंध मजबूत होता जाता है। ये शोध साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। टोरंटो में रॉटमैन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर वलोरी सालिमपुर ने बीबीसी के साइंस इन एक्शन प्रोग्राम को बताया, हम जानते हैं कि न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस का संबंध पुरस्कार से है। वो कहते हैं, लेकिन संगीत भावनाओं से जुड़ी हुई चीज है। ये ऐसा नहीं कि आप भूखे हैं और आपको खाने के लिए कुछ मिलने वाला है और आप इसे खाने के बारे में उत्साहित हैं, या ऐसा पैसे के बारे में हो। अक्सर ऐसी स्थिति में ही हम न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस में हलचल देखते हैं। मजेदार बात यह है कि आप ऐसी चीज के बारे में अंदाजा लगा रहे हैं और उत्साहित हो रहे हैं जो पूरी तरह भावनात्मक है, और वो है संगीत के टुकड़े में आने वाली अगली ध्वनि। आज से म्यूजिक का डोज डबल, और ज्यादा म्यूजिक सुनेंगे और शार्प होंगे।